जन जन तक पहुंचे, स्कूल तक पहुंचे, बच्चों तक पहुंचे और सभी जान पाए कस्तूरबा जी कौन थी। तो मैं चाहूंगा कि ये इसका एक बड़ा रिलीज मिले, आप सभी मीडिया के भाईजन अगर इसको प्रमोट करेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिल्म को बड़ी रिलीज मिल सकती है। देखिए जनता को देखने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो इसमें दिखाया है फिल्म में कि महिला, एक महिला, एक सांसारिक घरेलू महिला, वो कैसे छोटे बचपन से लेकर के गांधी जी के साथ उनके परिवार, उसको परिवार को संभालना, उनके जो जो भी उन्होंने काम किया उसको वो कैरी करती थी। देश की आजादी में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। वो एक महिला थी जो सभी क्रांतिकारियों से जेल में मिलने जाया करती थी, उनके दुख दर्द सुना करती थी। तो वो अपने आप एक फ्रीडम फाइटर थी और इतिहास ने इनको कहीं जगह ही नहीं। 70 साल सरकार रही पीछे, किसी को याद नहीं आया कि कस्तूरबा जी भी कोई थी। मेरा ये पर्सनल मानना है, मैं ये नहीं कहूंगा। अरे साइलेंस प्लीज, साइलेंस, धीरे बात कीजिए प्लीज। आज हम इतने सालों के बाद हमने इस फिल्म को बनाने की कोशिश की, तो ये तो खैर हम लोगों की अपनी एक मेहनत है। सिकिल जी ने लिख दिया, इन्होंने एक मटेरियल तैयार किया, इन्होंने बोला कि हम इसको बनाते हैं, मगर ये तो सरकार को या इतना समय निकल गया, इनके बारे में कुछ तो करना चाहिए। तो मेरी तो सिर्फ ये कोशिश थी कि इनके लिए कुछ ऐसा हो जाए कि मैं कस्तूरबा जी को उनके बर्थडे पर एक गिफ्ट दे सकूं। सर एक बात पूछना जी, कि हम बात कर रहे हैं आज 2019 और 2018 में आके और 15 से कुछ दिन पहले महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए उस अनपढ़ महिला थी, उसका कोई एजुकेशन नहीं था, कुछ नहीं था, और उसका सोच कितना बड़ा था कि हम उसने महिला सशक्तिकरण उस वक्त बिना कुछ जाने कुछ समझे अपने अंदर से चरित्र से और अपनी स्थितियों से उसने महिला सशक्तिकरण का इतना बड़ा उदाहरण पेश किया कि आज हमें वो आज भी इतनी सब सुविधाएं होने के बाद भी इतना मुश्किल है। और आप एक बात सोचिए कि एक महिला है, अनपढ़ महिला है, उसकी शादी एक ऐसे आदमी से हो रही है जो उस जमाने में इंग्लैंड जाके बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहा है। अगर एक नजर से देखे तो कितना बेमेल था, लेकिन उसको मेल मतलब उसको जिया उस चरित्र को, और बिना कोई संकोच के, बिना कोई हीन भावना के, उन्होंने एक बैरिस्टर के, इतने बड़े बैरिस्टर के साथ एक अनपढ़ महिला ने अपनी जिंदगी पूरी गुजारी, ना सिर्फ जिंदगी गुजारी बल्कि अपने आप को साबित भी किया। कई मामलों में वो गांधी जी से बड़ी थी, ये उन्होंने साबित किया। क्या वजह रही जो इलेक्शन से पहले इस फिल्म को लाया, तो वजह है इसके पीछे पार्टिकुलर किस इलेक्शन पार्टिकल फिल्म जो अपनी है, किस इलेक्शन की, जो असेंबली इलेक्शन शुरू होने वाला है सर, ये तो महाराष्ट्र 3 साल से चल रहा है प्रोसेस, आप बताएं। हम काफी लंबे समय से इसको बनाने के प्रयास कर रहे थे, तो इलेक्शन से तो इसका कोई लेना देना है नहीं। शकील साहब ने इसको 7-8 साल तो रिसर्च करके तैयार किया है, तो इलेक्शन तो मेरे को लगता है इसमें कई बार आके चले गए होंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। हम तो कस्तूरबा जी को महिला वो देखे उस जमाने से लेकर आज भी महिला हमेशा घर के लिए, पति के लिए, देश के लिए, सभी के लिए सपोर्टिंग थी, वो हमने इस फिल्म में दिखाया, तो मेरे को लगता है ये समाज सभी को समझने को मिलेगा। थैंक यू। काफी हेल्पफुल, फिर हमारे पास गूगल है, मैंने उनको गूगल किया, उससे लोगों के लेकर उनके बारे में फिर थोड़ा बहुत रिसर्च जानना शुरू किया। जिन्होंने बड़ी कस्तूरबा में रोल निभाया है उनका शूट मुझसे कुछ दिनों पहले खत्म हो गया था, तो मैंने उनसे भी कंसल्ट किया कि मैम आपने कैसे किया, क्या किया। तो कुछ हद तक डिफिकल्टीज आई हैं, जैसे जो डिलीवरी सीन था आपने देखा होगा, वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए। एंड या दैट सेड, वी हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि अपने आपको पहली बार बिग स्क्रीन पे देखें, तो खुश बम्स आ रहे हैं, बट देन या आई एम फीलिंग हैप्पी। मुझे गांधी के बचपन के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा, कि वो कैसे थे, कैसे रहते थे। मुझे गांधी के रोल बहुत अच्छा लगा, मुझे इस फिल्म में काम करके बहुत अच्छा लगा। बाकी मनीष सर ने और शकील सर ने मेरी बहुत हेल्प करी थी, एंड बाकी श्याम बाबू ने मेरी बहुत हेल्प करी। बहुत अच्छा काम किया है, और बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि जिस तरह का कैरेक्टर था गांधी जी, और जो गांधी जी का नाम है और गांधी जी की पहचान है, उसमें एक नए बच्चे ने
शुरुआत करना मुश्किल था, लेकिन मनीष जी ने उनसे बहुत अच्छे से काम लिया, उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया। उनके रिसर्च के बाद भी हम इस फिल्म को बनाने में सक्षम हो पाए। मेरे सवाल है एक्टर्स से, और एक डिफिकल्ट तरह का रोल था आप लोगों के लिए, आप उसे सुबह सुबह जान चाहेंगे कितना मुश्किल रहा आपके लिए और कितना आसान बनाया सर ने इस फिल्म को, आप इसे फॉर्म किए उसे बना सकते। देखिए आज हम सभी फिल्म की स्क्रीनिंग पर मिले हैं और हमारे सौभाग्य से हमारे डायरेक्टर साहब के साथ में शकील साहब, तो मैं चाहूँगा इस पर मार्गदर्शन शकील जी करें। सर ऐसा है कि कस्तूरबा जी और महात्मा गांधी दोनों का ये 150वीं सालगिरह चल रही है, मतलब 2018-19 दो अक्टूबर तक चली, और दोनों का एक ही वर्ष में जन्म हुआ, लगभग 6 महीने का अंतर था दोनों की उम्र में। तो हमें ऐसा लगा कि महात्मा गांधी के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, उन पर बहुत काम भी हुआ है, फिल्में भी बनी है, तमाम काम हुए। कस्तूरबा जी पे उतना काम उस लेवल पे या उस तरह का वर्क नहीं हुआ, ना लिखा गया ज्यादा, एक या दो किताबें हैं बस। तो हमें लगा कि कस्तूरबा जी पर कुछ काम होना चाहिए और ये फिल्म बनाने का निर्णय लिया गया। कस्तूरबा जी जो थी उनके बारे में एक बात गांधी जी ने खुद कही थी कि सत्याग्रह गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था, और गांधी जी का खुद का ये मानना था कि सत्याग्रह असल में कस्तूरबा जी की देन है। उन्होंने सत्याग्रह का जो हथियार की जिस तरह से इस्तेमाल किया आजादी के आंदोलन में, वो ये मानते थे कि वो उन्हें उसकी सीख कस्तूरबा से ही मिली। कस्तूरबा संत के प्रति बहुत प्रबल आग्रही थी और वो एक अद्भुत महिला थी। वो एक गांधी जी एक वट वृक्ष थे और एक बीज की तरह थी, लेकिन उस बीज से ही गांधी जी में अनेक गुण आए। वो बीज खत्म हो जाता है लेकिन पेड़ बड़ा हो जाता है, तो बीज नहीं दिखा, पेड़ हमें दिखता है। तो हमें लगा कि उस बीज पे भी कुछ बात होना चाहिए, इसलिए करते हैं। मैं मनीष सर से जानना चाहता हूँ, सर ये एक अलग तरह का टॉपिक है, वो सभी फोकस करते हैं महात्मा गांधी जी के ऊपर, लेकिन उनकी वाइफ के ऊपर फोकस बहुत ही कम आई थिंक किया गया है, और इस पर कोई फिल्म एक बनाया, एक बहुत बढ़िया तरह से बनाया है, हमने देखा अच्छा खासा उनका रिस्पॉन्स भी आ रहा है। और ये फिल्म सीख कहाँ से हुई पहली बात तो, और इसे बनाने में कितनी डिफिकल्टीज आई? देखिए अलग तरह की सब्जेक्ट में हम काम करते हैं तो डिफिकल्टीज तो होती ही, और एक बड़े नाम को हम अगर महात्मा गांधी जिनको हिंदुस्तान और पूरी दुनिया जानती है, जब हम ऐसे किसी शख्सियत पे बात करते हैं या उनके लिए कुछ लिखते हैं पढ़ते हैं या उनके लिए कुछ बनाते हैं तो बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। और फिर कस्तूरबा जिनके बारे में बहुत ज्यादा लिखा नहीं गया, उनके बारे में बहुत ज्यादा बताया नहीं गया, और उन्होंने कस्तूरबा जी ने गांधी जी को महात्मा गांधी बनाया, ऐसा मेरा मानना है। उन्होंने बचपन से लेकर अपनी मृत्यु तक गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे वो फैमिली में, घर में, देश की आजादी में, महिलाओं का, दलित, शोषित, पीड़ित, उन सभी के लिए कस्तूरबा जी ने बहुत काम किया। और कहते ना महिला सशक्तिकरण, उसके लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ऐसी महिला जिसको हमारे इतिहास में कोई जगह ही नहीं मिली, तो हमें लगा कि हमारी माँ कस्तूरबा इतना बड़ा नाम, तो उनको हम कहीं जिंदा करें ना। तो ये साल जो एक